अभी देखिए, हमने बात की थी कॉलम के अंदर, फुटिंग के अंदर और बीम के अंदर आप कैसे प्लेसमेंट करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं। ये हमारे पास एक फ्लोर है, तो मैं फ्लोर को क्या करता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें दिखाई ना दें। आपको किसी फ्लोर के अंदर, यानी कि जो स्लैब होता है हमारा स्ट्रक्चरल 150 mm का, उसके अंदर अगर आपको रिवायरिंग करनी है, आप उसको टॉप व्यू से देखें। ये हमारे पास स्लैब है। अब इस स्लैब के अंदर हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो आप अगेन उसको सेलेक्ट करते हैं, एक रिबार का ऑप्शन आता है। इससे आपको क्या, अगेन वही मैनुअली डिटेलिंग करनी पड़ेगी। उसकी जगह आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एरिया रिइंफोर्समेंट। आप एरिया रिइंफोर्समेंट को सेलेक्ट करें। आप कितने एरिया में रिइंफोर्समेंट देना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हमें कंप्लीट स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ से कंप्लीट स्केच को डिफाइन कर दें। स्केच डिफाइन करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज टूल बार है। प्रॉपर्टीज टूल बार से टॉप और बॉटम, यानी कि ये डबल रिबारिंग करेगा, टॉप पर भी और बॉटम पर भी, तो दो लेयर्स आ जाएंगी रिबार्स की। पहले मैं इसको ओके करता हूँ और आपको दिखाता हूँ हम क्या बात कर रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी को मैं इनेबल कर देता हूँ और 3D में इनेबल कर देता हूँ और साउथ एलिवेशन। अभी आपको मैं 3D में लेकर जाता हूँ। देखो डबल है रिवारी, जी टॉप पर भी एक लेयर है और बॉटम पर भी एक लेयर आई है, डबल लेयर आ गई है। इन जनरल जो हमारे पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हम सिंगल लेयर्स में रिवायरिंग करते हैं, डबल लेयर्स नहीं देते हैं। उसके नीचे से स्पेसिफिक हाइट पर प्लेस किया जाता है। एक बस कोशिश ये होती है कि इसके सेंटर पर रहे। तो रिबार्स को प्लेस करने से पहले मैंने अंडू कर दिया, हम टॉप पर आते हैं, सेलेक्ट करते हैं रिमूव एरिया सिस्टम। इसे भी हटाएं, एक सेकेंड, ये सेलेक्ट होगा एक स्पेसिफिक, ये रिमूव हो गया। जी अगेन आपने जब स्लैब को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको एरिया रिइंफोर्समेंट का ऑप्शन मिलता है। आप एरिया रिइंफोर्समेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है आपको कोई एक रिबार नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए, या फॉर एग्जांपल आपको बॉटम वाला लगाना है, आपको टॉप वाला हटाना पड़ेगा, कोई भी एक अप्लाई करना है। अप्लाई कर दिया आपने, उसके बाद उसको लगा दिया। आपके पास एक स्पैन की डायरेक्शन है, आपने, एक सेकेंड, हाँ मैंने दोनों बॉटम लगा दिया, ठीक है। टॉप मेजर, टॉप माइनर। अब मेजर के डायमीटर को मैं अलग दे करना चाहता हूँ और बॉटम का जो माइनर है मेजर की जगह, उसका डायमीटर मैं अलग करना चाहता हूँ। दोनों का डायमीटर भी आप अलग अलग कर सकते हैं। मेजर डायरेक्शन ये होगी जहाँ आपको ये नज़र आएगा, आपको चेंज करना है आप डायरेक्शन को बदल सकते हो, लेकिन मेरी मेजर डायरेक्शन यही है तो मैंने इसी को प्रेफर किया। ओके कर दिया। नाउ आप उसको जा करके सेलेक्ट करेंगे, विजिबिलिटी स्टेट 3D एंड रूफ लेवल एंड साउथ एलिवेशन, आपने फिर से उन्हें सेलेक्ट करके ओके कर दिया, विजिबल हो गए। अब आप एलिवेशन पर जाइए, यहाँ चेक करें आप। मैंने अगेन स्लैब को और इनको सेलेक्ट किया, ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं, इनकी वैल्यूज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसकी गैपिंग को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। जब मैंने ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया यहाँ, तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन, मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
जब आप पूरे को सेलेक्ट करते हैं ये वापस आ गया आपके पास। अब जब आप इसे एलिवेशन से देख रहे हैं तो आपको लगा ये पूरे स्लैब के बॉटम पार्ट में है, तो बॉटम पे अगर कुछ और ऑफसेट देना, यानी कि बॉटम कवर को अगर मैं बढ़ा दूं तो ये मेरा सेंटर पे आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिशनल टॉप कवर, एडिशनल बॉटम कवर। मैंने बोला बॉटम कवर जा करके 50 mm एडिशनल दे दिया मैंने, ये ऊपर आ गया। जी अब आपने चेक किया या आपने उसे 40 mm कर दिया तो अप्रोक्स ये सेंटर पर आ जाएगा। इस तरीके से आप सिंगल लेयर ऑफ रिबार अगर आपने बनाया, आप उसको बॉटम कवर में ऐड करके वैल्यूज़ को ऑफसेट देकर आप सेट कर सकते हो। और आप डायमीटर्स में भी देखो फर्क, ये 13 mm है वो 10 mm, दोनों में भी आपको फर्क नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं एरिया रीइन्फोर्समेंट। नाउ कुछ केस में जैसे ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट इस कॉलम से आगे आगे का, ये हमने ओवरहैंग किया कर रखा है आगे, वहां नीचे कोई कॉलम का सपोर्ट तो है नहीं। या इस पार्ट की बात कर लें आप, इस स्लैब की बात कर लें आप, ये भी ओवरहैंग्ड है। मैंने क्या किया, अब हम यहाँ से रॉफ के बजाय फर्स्ट फ्लोर लेवल पर अगर आते हैं तो ये स्लैब है आपका, इस बीम से बाहर जितना स्लैब आ रहा है मैंने इसको मेज़र किया कि सेंटर से ये यहाँ तक कितना है, 1850 आ रहा है जितना आपने ओवरहैंग कर रखा है। एरिया रिइंफोर्समेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे पर, लेकिन जितना पार्ट एक्स्ट्रा बाहर ओवरहैंग किया जाता है वहाँ पर आप रिबार्स एडिशनल देते हैं, एक्स्ट्रा रिबार्स वहाँ लगाए जाते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब आप स्लैब को सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है पाथ रीइन्फोर्समेंट। अगर आप पाथ रीइन्फोर्समेंट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपसे टोटल लेंथ पूछी जाती है, हमारा कितना है 1850, बार का डायमीटर जितना चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप पॉइंट्स बता सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना इस डायरेक्शन में, आपको क्या चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, स्पेस बार या पहले प्लेस कर दो, उसके बाद हमारे पास फ्लिप करने का ऑप्शन है, ये अंदर की साइड चला गया, देखो सेंटर तक चला गया। आप जैसे ओके करेंगे उसने रिबार अप्लाई कर दिया। विजिबिलिटी में जाइए, हम फर्स्ट लेवल पर हैं अभी, फर्स्ट फ्लोर सबसे ऊपर है, आपने इसे इनेबल कर दिया और इसको 3D में फ़िलहाल हम इनेबल कर देते हैं। तो आपको ये एक्स्ट्रा रीइन्फोर्समेंट अलग से नज़र आ रहा होगा। सर जो आपने फ्लिप करा था उससे क्या हुआ, मतलब ये उधर जा ये रहा बाहर था की साइड था, मैंने अंदर की साइड फ्लिप किया है उसको। नाउ सेकंड, इसका जो बार का बेंड है ये आगे आ रहा है, एडिट टाइप स्टैंडर्ड हुक बेंड डायमीटर स्टिरअप टेंड बेंड डायमीटर, हुक लेंथ में ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने 90 डिग्री का ही तो बेंड रखा है, 150 mm तो हमारी टोटल थिकनेस है, तो हमने बोला एक काम करते हैं ये हम रखते हैं अप्रोक्स 80 mm। जैसे आप अप्लाई करेंगे आप देखो, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं एरिया रीइन्फोर्समेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या पाथ रीइन्फोर्समेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको और प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई देती हैं, जैसे ये सिस्टम आपने सेलेक्ट किया है 1850, बार की स्पेयरिंग 300 mm है, आपने बोला नहीं मुझे तो थोड़ा ज़्यादा करनी थी, आपने वो रिड्यूस कर दिया डिस्टेंस। इस तरीके से आप पाथ रीइन्फोर्समेंट का यूज़ करते हैं। सर इतने एरिया में हम एरिया वाला भी तो लगा सकते थे ना, एरिया वाला रेक्टेंगल। लगा सकते थे आप, लेकिन पूरे पर तो लगेगा ही लगेगा जी एरिया, लेकिन अगर किसी एक स्पेन को आपने बाहर निकाला है वहां हमें एक साइड में हुक लेंथ देनी है, पर एरिया लगाते तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का बार आता। उसमें ऑप्शन नहीं आता कि ऑफ कर दें। अगर
आप टॉप या बॉटम इस तरीके से तो ऑफ करते हो, लेकिन एरिया रिइंफोर्समेंट का मतलब तो यह है, हॉरिजॉन्टल बोथ और साइड प्रोवाइड होगा। दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा। ठीक, इस तरीके से आप पाथ रिइंफोर्समेंट अप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज में और भी चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं बार्स के केस में। स्टील बार्स के अलावा आजकल फैब्रिक रिइंफोर्समेंट भी यूज़ होता है। हाँ, इंडिया के अंदर उतना कल्चर नहीं है उसका, वो एक अलग लॉजिक है, लेकिन यूटिलाइज होता है ये सिस्टम सेलेक्ट। वापस आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे ये पूरा स्लैब है, अभी आपने अप्लाई किया था एरिया रिइंफोर्समेंट, उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर फैब्रिक एरिया रिइंफोर्समेंट, ये स्पेसिफिक शीट अप्लाई करनी है। शीट का स्पेसिफिक साइज होता है, और वो शीट जहाँ भी आपको अप्लाई करनी होती है आप जाके क्लिक कर देते हैं, उतने एरिया में वो फैब्रिक शीट अप्लाई हो जाती है। लेकिन फैब्रिक शीट ही अगर हमें पूरे स्लैब पे एक साथ अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए आपको फैब्रिक रीइन्फोर्समेंट, ये वाला फैब्रिक एरिया आप यूज़ कर सकते हो। फैब्रिक एरिया सेलेक्ट करने से होता तो वही है कि आप पूरे को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो मल्टीपल शीट्स को ही यूज़ कर रहा है, एक स्टैंडर्ड साइज़ की जो शीट्स हैं, ये शीट्स की साइज़ है। आप मल्टीपल साइज़ को अप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो उतने एरिया में रिइन्फोर्समेंट आ जाता है, सारी शीट्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवर राइट हो रही हैं। वही है, विजिबिलिटी को आप कंट्रोल करेंगे, केवल एक को सेलेक्ट करो, SA सारी सेलेक्ट होंगी, विजिबिलिटी पे जाइए फर्स्ट फ्लोर पर, और 3D में आप इनेबल कर दीजिए, आपको देखने में वैसा ही नज़र आएगा जैसे बार्स नज़र आते हैं, लेकिन कुछ अलग कलर से हाईलाइट करता है ये इसको। ये फैब्रिक शीट्स होती हैं, ये शीट साइज हम मॉडिफाई ये कर सकते बेसिकली, हैं। हाँ शीट साइज़ तो मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स में बहुत रेयरली यूज़ हो रहे हैं। हाँ, बाकी जगह जहाँ प्री कास्टिंग्स के कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ऐसी जगह फैब्रिक रिइंफोर्समेंट का यूज़ होता है। यहाँ अभी इंडिया के अंदर मैंने उतना ज़्यादा इस स्केल को यूज़ नहीं देखा अभी तक एप्लीकेशंस। ये फैब्रिक रिइंफोर्समेंट होता है। अब ये तो काम हो गया, ज़रूरी नहीं है जो स्टैंडर्ड शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे फुटिंग हमने यूज़ किया, एक रेक्टेंगुलर शेप आ गया, कई जगह हमारे पास कुछ ऐसी कैटेगरीज आती हैं हमें ट्रेपिजॉइडल शेप की फुटिंग्स को यूज़ करना पड़ेगा, तो अगर इस टाइप की कुछ फुटिंग्स हैं तो वहाँ पर रिइंफोर्समेंट की शेप भी वेरी करेगी, हम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा किसी केस में अगर हमारे पास आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमारे पास उसका फैमिली पहले से बना हुआ हो, हम अपलोड उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या हमारे पास अगर बना हुआ नहीं है, हमें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही कुछ चेंजेस करना है, तो आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर उसको क्रिएट कर सकते हो, दोनों रास्ते हैं। अगर यहीं पर क्रिएट करना है केवल इसी के लिए, तो हम बात करते हैं, हम फाउंडेशन पर वापस जा रहे हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स में यही सब ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट में मैंने एक चीज़ बताई थी मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस में जाकर के मैं एक जेनरिक मॉडल क्रिएट करूँगा। जेनरिक मॉडल बनाने के लिए मुझे कोई रेफरेंस प्लेन भी चाहिए, मैंने यहाँ से एक रेफरेंस प्लेन बनाया। रेफरेंस प्लेन बनाने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूज़न यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सट्रूज़न के लिए मैंने स्टेटिक आ जाएगा, मुझे चारों साइड से चाहिए गा, ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, पहले पहले तो एक्सट्रूज़न ही यूज़ करना होगा, सॉरी हम फाउंडेशन पर ही है ना, ठीक है। मैंने यहाँ से एक साइज़ लिया, इसको डाइमेंशनिंग करते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ, और इसे कर देते हैं इक्वल, यहाँ से यहाँ से यहाँ, और इसे कर देते हैं इक्वल। अब ये टोटल लेंथ और ये वाला टोटल लेंथ, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वैल्यू आ रही है, चेंज नहीं,
ठीक है। मुझे पैरामीटर ही बनाने पड़ेंगे। दो लेंथ मैंने लिए, नीचे का मान लीजिए मुझे शेप चाहिए स्क्वायर 2500 बाय 2500, तो मुझे इन दोनों को इक्वली करना है, तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ, बेस लेंथ। ओके, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, जो भी वैल्यू चाहिए कि मैं एडिट कर पाऊँगा। अब अगर मैंने ये बना लिया है, क्योंकि मैं इसी प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ केवल, उसका हाइट है मेरा 250, मैंने इसे एज इट इज़ ओके कर दिया, ये 250 हाइट का एक शेप बन गया। या मुझे हाइट में कुछ वेरिएशन करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने वापस जा रहा हूँ मैं अपने फाउंडेशन पर। अब नेक्स्ट मेरा फेज है क्रिएट। अब मुझे यूज़ करना है यहाँ पर स्वेप्ट ब्लेंड, पिक पाथ, और पाथ मुझे चाहिए ये वाला, एक स्केच है मेरा। अच्छा सॉरी, मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया है, स्वेप्ट ब्लेंड नहीं चलेगा, मुझे यूज़ करना ओनली ब्लेंड। बेस मेरा है ये वाला प्रोफाइल, क्योंकि बेस प्लेन तो वही है ना नीचे, तो वो नीचे वाला ही लेगा। स्केच बन गया। अब एडिट टॉप, मुझे टॉप में भी कुछ ऐसा चाहिए। अब मैं फिर से डायमेंशन को जब पर जाऊंगा, इक्वल इक्वल, टोटल टोटल, दोनों को सेलेक्ट करूँगा, नया पैरामीटर, और टॉप लेंथ, ये एक नया पैरामीटर मैंने ऊपर का बना दिया। अब अगर आप इन दोनों को हाइट देंगे, इन दोनों के बीच का हाइट है लेट से 750, बेस का और टॉप का, आप जैसे ही ओके करेंगे आप 3D में जाएंगे, वो बेसिकली नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने इस फेस को पकड़ करके जब मैं ऊपर ला रहा हूँ, देखो इसी ये फेस स्नैप हुआ, यहाँ ला करके मैंने लॉक कर दिया, यानी कि ये फेस अब यहीं से शुरू होगा। इसकी अब हाइट मैं बढ़ा सकता हूँ जितना भी मुझे चाहिए। ये मेरा एक ट्रेपिजॉइडल फुटिंग क्रिएट हो गया है, एक आइटम बना। अब अगर आपको ये एक आइटम चाहिए तो ज्वाइन कर दो दिस दिस, अब ये एक सिंगल पीस बन गया। अब आप सिंगल पीस को पूरे ऑब्जेक्ट को ज्वाइन तो हो गया है सेलेक्ट करके, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखो तो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ज्वाइन दिखा रहा है। अब आप इसे और इसे सेलेक्ट करो, एक साथ नहीं दिखाएगा, इंडिविजुअल सेलेक्ट करो तो भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिनिश करना पड़ेगा उसे। नहीं वो अलग चीज़ है। हाँ यहाँ देखो, स्ट्रक्चरल एक ऑप्शन है, कैन होस्ट रिबार। अगर ये आपने एक्टिव नहीं किया तो आप इसमें रिबारिंग नहीं कर सकते, आपको बताना होगा। ये एक जेनरिक मॉडल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो होस्ट कर सकता है रिबार्स को, उसे एक्टिवेट करना है, अब फिनिश करना है। अब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो रिबार्स का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्लियर। अब इस केस में मेरे रिबारिंग्स में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं अभी फाउंडेशन पर वापस आता हूँ, मैं वही काम करता हूँ, इसका एक सेक्शन काट लेता हूँ, पहले इस सेक्शन पर जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा रीबार। इस केस में मेरा यहाँ काम नहीं चल सकता, रैंडम जाएगा, तो इस केस में मैं यहाँ पर जाऊँगा डायरेक्ट स्केच मेथड, प्लेसमेंट बाय स्केच मेथड। अब आपको स्केच बनानी है, फेस सेलेक्ट कर लीजिए, ये आ गया। अब आप बताएंगे, क्योंकि लाइन आपका सेलेक्टेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे भी आपको शेप चाहिए, शेप बना के ओके करिए आप, वो रिबार में कन्वर्ट हो गया।
ये शेप फिक्स हो गई। अब आपने अंडू किया, इसे सेलेक्ट किया और कहीं विजिबिलिटी 3D में ऑन कर दिया, ओके कर दिया। अभी आप 3D पर जाएंगे तो आपको ये रिबार नज़र आएगा, लेकिन आप खुद सोचो ये रिबार्स आप पूरा तो नहीं फैला सकते क्योंकि इससे बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करके पहले तो बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ मुझे 6 रिबार्स चाहिए। तो देखो वो ऑटोमेटिकली उतना ही बनाएगा जो वो बाहर नहीं जाने देगा। ये हो गया। अब आप अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में जाके फिर से रिपीट कर लोगे। इस टाइप से आप रिबार्स प्लेस कर पाएंगे इस तरह के कंपोनेंट्स में, यानी कि कोई कैसा भी शेप आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रिबार्स आपको फिर स्केच बेस्ड यूज़ करने पड़ेंगे जिसको आप वहाँ अप्लाई कर पाए। ठीक है, ये सबसे इजी ऑप्शन है आपके लिए रिबार्स बनाने का। तो एरिया रिइंफोर्समेंट या कस्टमाइज्ड स्केच मेथड आप यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छा मेथड है। ओके, अब मैं वापस आता हूँ रूफ पर वापस। ये मेरे पास स्लैब है, जब मैं रिबार वाला जनरल ऑप्शन यूज करता हूँ मुझे वहाँ पर एक रिबार प्लेस करना है पैरेलल, ये स्ट्रेट रिबार। अब ये स्ट्रेट रिबार मैंने प्लेस तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिबार की लेंथ है उतना लेंथ का एक बार मैं प्लेस करूँ, क्योंकि 20 फीट का हाइट होता है। अगर ये टोटल लेंथ 40 फीट की है तो मुझे एक रिबार से काम मेरा नहीं चल सकता। उस केस में मुझे क्या करना होगा, 2 रिबार्स प्लेस करने होंगे। दोनों रिबार्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो मैं एक रिबार को दूसरे रिबार के साथ ओवरलैप करके बाइंड करता हूँ, या मैं बीच में कपलिंग लगा देता हूँ। अगर आपको रिबार पर कपलिंग यूज़ करना है उसके लिए सबसे बेहतर मेथड है स्प्लिट टूल। जाइए, वो स्प्लिट इसमें काम नहीं कर रहा, कंडिट पे काम कर देगा। 13 mm, लेट से थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 22 mm का है। इसे मैंने सेलेक्ट करके छोटा कर दिया, जितनी मेरे पास लेंथ होगी मैंने उतना बनाया। उतना बनाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, मल्टीपल हटा देता हूँ। यहाँ से कॉपी किया मैंने, कंस्ट्रेंट मेरा ऑन है, मैंने यहाँ तक बनाया। ऑब्वियसली इसको मुझे एडजस्ट तो अंदर ही करना पड़ेगा। ये मेरे पास बन गया, ये 2 रिबार्स आ गए, थोड़ा क्लोज ला करके मैंने प्लेस कर दिया। ऐसे केस में आप स्ट्रक्चर टैब पर जब वापस जाते हैं, यहाँ पर ये सब ऑप्शंस तो यूज़ हो गए, रिबार कपलर होता है। रिबार कपलर अप्लाई करते हैं जब आपके 2 बार्स बहुत पास पास रखे हों। अच्छा, इस कपलर की भी विजिबिलिटी अलग से सेट होती है। अगर आपने उसकी 3D में विजिबिलिटी ऑन नहीं की तो कपलर नहीं दिखेगा आपको, कपलर की ही विजिबिलिटी आपने ऑन की है बस। तो आप बार्स में इस तरह कपलिंग कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें ओवरलैपिंग करनी है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सर हमें ओवरलैपिंग करनी है यहाँ पर ऐसे, तो आप एक को सेलेक्ट करके उसकी स्केच को एडिट कर दो और आप बता दो कि यहाँ से कितना डेविएशन, कितने एंगल पर आप कपलिंग करोगे और कितना ओवर उस पर करोगे आप। जैसे आप ओके करेंगे वो कपल होने के लिए रेडी है। अब आप यूज़ कर सकते हो एलाइन। इस टोटल के हिसाब से हमें ओवरलैपिंग लेंथ बहुत छोटी लग रही है, आप बाद में जाके उस ओवरलैपिंग लेंथ को बढ़ा भी सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये तरीके होते हैं कॉम्बिनेशंस बनाने के।
यही टोटल रीइन्फोर्समेंट होता है हमारे पास रिलेटेड टू दिस। ये हमारा रीइन्फोर्समेंट से रिलेटेड टोटल है। बाकी मैंने आपको कवर वगैरह की सेटिंग समझाई थी कैसे करते हैं, जैसे किसी एलिमेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया है, ये यहाँ पर डिटेल्स दिखा रहा है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। ये ऑप्शंस हैं कुछ जो रिबार कवर्स के होते हैं ऑलरेडी। तो मान लीजिए आपको कहीं पर रिबार कवर कस्टमाइजेशन है, आपको देना है 120 mm का, तो यहाँ तो है नहीं, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, पहले एक कैसे नया ऐड कर सकते हो आप यहाँ, रिबार कवर स्पेशल, कोई कवर आपको डिफाइन करना है, दैट इज़ 120 mm, तो आप वो भी बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली जाइए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, अगर वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देगा, और आप वहाँ से उसके रिबार कवर देखो, स्पेशल वाला भी आ गया 120 mm, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करेगा, अभी तो हमारी थिकनेस ही टोटल 150 है, तो 120 इस केस में तो आप यूज़ कर नहीं सकते। ये तरीके हैं हमारे पास कस्टमाइजेशंस करने के रिबार्स को लेकर, ठीक है। जी। ये टोटल आपको गो थ्रू करना है रिलेटेड टू